अरे भाई भाई सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिले। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ जुनैर अशरफ। और यार दोस्तों, बेसिकली आपको पता है हमारे चैनल कोई ऐसा चैनल नहीं है कि जो सिंपली ज्योग्राफी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता रहे और इनके अपने सब्सक्राइबर्स से उसका कोई ताल्लुक ना हो। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली बन चुकी है अपने सब्सक्राइबर्स की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दोस्त दे रहे हैं। तो जो दोस्त अभी नए आए हैं हमारी मीन के यूट्यूब फैमिली में, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। और आज बेसिकली मैं आपको कुछ सेल वाला जानवर नहीं दिखा रहा, मैं आपको चीज़ अपनी दिखा रहा हूँ, अपनी भी नहीं है। मैंने अपनी बकरियों की जो ब्रीडिंग के लिए बकरा होता है वो आज लेके आया हूँ। तो मैंने सोचा चलें दोस्तों को दिखाता हूँ आज और पूछता हूँ क्या ये ठीक है, ये अच्छा रहेगा। और बकरी की क्वालिटी मैं आपको, मेरी बीतल है और मैं ट्राई करूँगा क्या ना वीडियो में एक दो पिक्स वगैरह अपनी बकरियों की ऐड करूँ ताकि आपको ना मेरे माल की क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो जाए। तो चलो मैं आपको बताता हूँ जी बकरा मैं क्यों लेके आया हूँ और आपने मुझे बताना है क्या अच्छी चीज़ है। इसको थोड़ा सा ना आगे मूव करिएगा भाई, और आपने बताना है क्या अच्छी चीज़ है, क्या इनकी अच्छी ब्रीडिंग करेगा। तो मैं ना कैमरे के आगे खुद आता हूँ और आपको इसकी क्वालिटी वगैरह बताता हूँ। तो चलें दोस्तों, मैं ना आपको कैमरे के बगैर ही वैसे दिखा देता हूँ मैं क्यों लेके आऊँ, क्या क्वालिटीज मैंने इस जानवर में देखी है, मैं कहाँ से लाया हूँ। बेसिकली ये जानवर मैं लेके आया हूँ हसनैन भाई की माल की, एक मैंने वीडियो अपलोड की थी उनसे मैं उधार लेके आया हूँ। तो बकरी की इनके जो होती है क्रॉसिंग वगैरह उसके लिए मैं ये उनसे ना उधार लेके आया हूँ। आप मेरा इनके वाड़ा वगैरह देख सकते हैं, बकरियों के तकरीबन ना 15 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, वो इंशाल्लाह उनकी अलग वीडियो आएगी। अच्छा जी, बेसिकली मैं इसको लेके आया हूँ, उसकी रीज़न ये है इसका नाक भाई थोड़ा सा ना थोड़ा पिछली साइड पे आ जाए मछला, इसका नाक चेक करें, गोल नज़र आया मुझे, सींग इसके मुझे अच्छे लगे हैं। आपने मुझे ना कमेंट करके बताना ज़रूर है क्या मैंने अच्छा किया है इस चीज़ को यूज़ करके अपने माल पे या फिर गुजारा ही है। इसके कान वगैरह माशाल्लाह अच्छे हैं, लंबे भी हैं और साथ में चौड़े भी हैं। मेरे कान थोड़े ना खोले आ जाए उरला कान। बेसिकली अपने मीन के मैं दिखाने का मकसद ये है कि मैं अपना शौक अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ कि मैं इस किस्म का इनका वीडियो इस दफ़ा मैंने ना छोड़ा बकरियों पर। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी पिछली जो बॉडी है ना उसकी, तो माशाल्लाह इसकी जो लेंथ है मीन के दुम से लेके गर्दन तक वो तकरीबन 7 या 6.5 के करीब गिट्ठे, जो गिट्ठे मारते हैं ना वो है। और दांत में भी ये चौगा है और इसके मैं आपको ना कपूरा वगैरह भी चेक करवाता हूँ। चेक करवाने का मकसद यही है कि आप दोस्तों ने मुझे बताना है कि चीज़ मैंने अच्छी लेके आई हूँ क्रॉसिंग के लिए, क्या चीज़ सूटेबल रहेगी भाई। थोड़ा ही लग तो रहा जी, तो आपने ना कमेंट करके बताना ज़रूर है कि आपके भाई को भी चीज़ का थोड़ा बहुत इलम है नहीं है, या मीन कि ये मेरा गुजारा करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो माशाल्लाह इसकी दुम वगैरह कान वगैरह मैं आपको टोटल दिखा रहा हूँ, दिखाने का मकसद ये है कि आप कमेंट करें मुझे बताएं चीज़ अच्छी है या नहीं। बात आती है इसकी आँख की, आँख इसकी सफ़ेद है। बेसिकली दोस्तों का शौक ज़्यादा होता है सफ़ेद आँख का, काफ़ी दोस्त कहते हैं इनके इसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं भी होता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का शौक सफ़ेद आँख का होता है, ठीक है। तो मैं आपको ना उस साइड से भी दिखा देता हूँ, माशाल्लाह इसकी हाइट वगैरह भी अच्छी है। उसके अलावा मेरा जो 5 महीने 12 महीने बकरियों के बच्चे हैं थोड़े से, तकरीबन 15 के करीब होंगे, आई थिंक 13 है 13। ये माशाल्लाह चेक करें, ये मेरा नेक्स्ट ब्रीडर तैयार हो रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको तैयार करूँगा, सेल नहीं मैं करने वाला, वैसे तैयार कर रहा हूँ। और ये और है, और ये अभी मैंने बकरी ख़रीद की है, तो इरादा था पहले सेल का, अब नहीं है। बात करेंगे इंशाल्लाह इसी पे ना एक अलग वीडियो लेके आएंगे। तो मैं आपको एक दफ़ा टोटल बच्चे चेक करवा रहा हूँ और एक ये बैठा हुआ है, ये उनका केज वगैरह मैंने क्रिएट किया हुआ है। रात को मीन के ये इस जगह में होते हैं और दूसरे जानवर डिफरेंट होते हैं, इनसे अलग होते हैं, सारे वाड़े में मीन के दूसरे जानवर होते हैं। और इस जगह स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको मैं रखता हूँ और साथ में रात को स्प्रे वगैरह करता हूँ ताकि मच्छर वगैरह यहाँ ना आए। तो एक दफ़ा मैं आपको ना ये माशाल्लाह ब्रीडर है जो हम आज लेके आए हैं, और साहिवाल से सुनैन भाई के माल का ये ब्रीडर है, उनसे हम बेसिकली उधार लेके आए हैं और इससे क्रॉसिंग वगैरह करानी है बकरी की इंशाल्लाह। तो आपने कमेंट करके बताना ज़रूर है कि चीज़ कैसी है, या इससे भी अगर अच्छी मिल सकती है तब भी आपने बताना है कि भाई इस जगह जाए और इससे अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला चैनल जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए शौक वाले और शेर वाले जानवरों की वीडियोस में लेके आता रहूँगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं।